मुझे रोक के देखा। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन इन योर होम। ठीक है, और हाँ, वीडियो शॉर्ट करने से पहले एक चीज जानना चाहूँगा कि यार तुम लोग थोड़ा सपोर्ट कम दिखा रहे हो, तो कृपया करके यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर भी करो। आगे चलते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बहुत लोग बॉलीवुड में घुसना चाहते हैं, तो दूर से देखने में वो बिल्डिंग बहुत सुनहरी सी लगती है कि हर बंदा चाहता है कि वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके बहुत फेम मिलेगा, सब कुछ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस भीड़ में दुनिया पागल हो रही है, भागा दौड़ कर रही है, पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। अब तुम ये देख ही रहे हो इन सब का हाल। तो सबसे पहली बात, जो इस वीडियो में जो लोग हैं, शायद उन सबको तुम जानते हो, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है या थी। ठीक है, क्योंकि पब्लिक, आजकल की पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है, उनको सब पता है कि किसको कितना फैन फॉलोइंग देनी है, कितनी नहीं देनी, क्योंकि उनके बहुत चीज़ें, रहस्य वगैरह बहुत आगे आ रहे हैं न्यूज़ में, तुम्हें देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल तुम शरद 2 के ट्रेलर से देख सकते हो कि उसमें सारे स्टारगेट्स का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, मैं नहीं कहता वो सारे बेकार हैं, हैं बेकार वो, तो मैं ये नहीं चाह, मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि यार तुम लोग ये मत दिखा, दो चार दिन की सख्ती मत दिखाना, जो चल रहा है उसको चलने देना। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई तुम लोग कहते होगे कि इस बॉलीवुड के अंदर फंडिंग कहाँ से आती है। ठीक है, तो तुम पहले ये मत सोचना कि भाई जो मेरे मन की बातें हैं, कुछ भी हैं, इसमें जो भी मैं बोलूँगा सबके आर्टिकल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने कुछ अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ। और हाँ, बात रही फंडिंग की, तो तुम लोग सोचते होगे कि यार ये लोग खुद के, अपने खुद के पैसे लगाते होंगे बेचारे। असल बात यह है कि वो लोग अपने खुद के पैसे लगाते हैं इसमें, जो इनके बचे हुए पैसे होते हैं वो खुद के लगाते हैं अपनी मूवी के ऊपर, तब जाके फेमस होते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम क्या सोच रहे थे कि दाऊद अंडरवर्ल्ड से पैसा आता, दाऊद पैसा लगाता है? अरे पागलो, सच बोलने की थोड़ी ना है। ठीक है, तो 2001 में एक मूवी आई थी चोरी चोरी छुपके छुपके। ठीक है, उसके अंदर प्रीति जिंटा और अपनी रानी मुखर्जी और अब सबके प्यारे सल्लू भाई भी थे। ठीक है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा था। ठीक है, मूवी के ऊपर जो केस हुआ, उसके अंदर जो उसकी कार्रवाई की गई, तो उसमें सब पता चल गया कि इसमें कहां से किधर घपले हुए हैं, किसका कहां से पैसे आया है, दाऊद का पैसा है। ठीक है, ये तो पक्का था दाऊद का पैसा, और कहां से कहां घपले हुए हैं ये सब उसमें बताया था। ठीक है, तो उसके अंदर जो फाइनेंसर मेन थे, जिन्होंने शो करा था कि ये दाऊद के, जो दाऊद ने फाइनेंसर को पैसा दिया था कि इस मूवी लगाने के लिए, तो वो भी उन दो के नाम आए। उनका नाम था फाइनेंसर भरत शाह और सेकेंड रजीम रिजवी। ठीक है, मूवी के ऊपर केस हुआ, तो पुलिस वाले ने जब पूछा कि तुम लोग ये अंडरवर्ल्ड के पैसे लगे वाली मूवी क्यों कर रहे हो बॉलीवुड वालों से, तो उन्होंने बोला भाई हम तो गए थे डर, इस चक्कर में हमें मूवी करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो वो तो उन लोगों ने पहले पुलिस वाले ने बोल दिया, जब कोर्ट गए ये लोग, जब इनके कोर्ट जाके इन लोगों ने पूछा, तो इन सब ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी थी। एक बस एक प्रीति जिंटा ने वहाँ जाके बोला कि हाँ भाई हमारे साथ ये हुआ था, तो इस चक्कर में रजीम रिजवी और भरत शाह को, दोनों को जेल हो गई थी, पर इस चक्कर में प्रीति जिंटा की सारी करियर लाइफ ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो अंडरवर्ल्ड की बॉलीवुड के अंदर नहीं चलती। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? एक तो भाई बॉलीवुड के 60% ज़्यादा मूवी अंडरवर्ल्ड वो फाइनेंस करता है, इनको सब पता होता है कि यार पहले तो होता था कि छोटी मोटी चीज़ होती थी कि जल्दी पकड़ जाते थे। ठीक है, पर इसमें तो अब क्या था कि किसका पैसा कहाँ जा, कैसे इन लोगों ने भेजना है, कौन सी कंपनी होनी है, कौन से फर्जी बिल बनाने हैं, कैसे कैसे करके इन्होंने पैसे ब्लैक को वाइट करना है, ये इनको सब पता है। पहले तो इतना नहीं होती थी टेक्नोलॉजी, इतनी जल्दी नहीं होती थी, इतने लोगों में दिमाग नहीं था, तो ये जल्दी पकड़े जाते थे, पर अब तो भाई सब सॉर्टेड है, ये इनको पता है कहाँ से कहाँ पैसा भेजना है, किसके पास भेजना है। ठीक है यार, तुम खुद सोचो ना यार, 200-200, 300-300 करोड़ की मूवी, ठीक है, पैसा पेड़ से थोड़ा गिर रहा है कि ऊपर से गिरी जा रहा है और ये मूवी बनाई जा रहे हैं, कि सारा अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है भाई। ठीक है, और अब तुम वही देख लो, जब ये मूवी 100 करोड़ से ऊपर कमाती है, 100 करोड़ 200 करोड़ का जो होता है, इसमें 60% ज़्यादा अंडरवर्ल्ड के पास ज़्यादा है। ठीक है, और पैसा ही पैसा हो गया। तो जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं कि अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सलमान खान, अब दो चार और हैं। ठीक है, इन सब ने कन्वेंस करा हुआ है,
इन्वेस्ट नहीं, पकड़े गए थे तो इन लोगों ने बोला है कि हाँ जी हमारे कनेक्शन थे अंडरवर्ल्ड के साथ पर अब नहीं है, पर पागल बनाने की इनकी टेक्निक है, अभी भी इनके होते हैं कनेक्शन। ऐसे कैसे कनेक्शन हट जाते हैं भाई, जब 100 करोड़ के वो मूवी इनकी वो करवा रहे हैं तो कैसे कनेक्शन हट जाएंगे। तो जैसे कि बॉलीवुड, पाकिस्तान, ISI, टेररिस्ट, इन सब के साथ जो इतनी बॉन्डिंग दिखाता है, थोड़ी बॉन्डिंग अपने देश के साथ दिखा लो भाई, मानता हूँ तुम्हारी फंडिंग आनी रुक जाएगी पर यार बुरा लगता है यार थोड़ा भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस इस टॉपिक से हटने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संजय दत्त और छोटा शकील की कॉल रिकॉर्डिंग जाके तुम देख सकते हो, मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। 17 मिलियन व्यूज तुम लोगों ने देखा ही होगा तो तुम ये देखो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉलीवुड में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फेम मिल जाएगा, ग्लैमर मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और तुम एक चीज़ों में और नहीं पता, ब्रेन वॉश ये बहुत करते हैं, तुमको देखना कि ये मूवी भी उन चीज़ों उन लोगों के ऊपर बनाते हैं जिन लोगों ने पहले कांड करे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, संजू मूवी बनाई थी संजय दत्त के ऊपर, उसके अंदर उसने जो भी उसके कांड थे कैसे सबका ब्रेन वॉश कर दिया कि वो ऐसे फंसा था, उसकी गलती नहीं थी, दुनिया उसको टेररिस्ट बोल रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट पागल नहीं है यार, कोई सोच के उसे बनाया होगा, पर इन लोगों ने मूवी ऐसी बनाई कि तुम लोग भी इसमें हो गए कि हाँ यार ये सही, इन्होंने सही बनाई है। तो अब हम बात करेंगे अजहर मूवी के बारे में। तो जिसको नहीं पता कि एक अजहरुद्दीन प्लेयर था 1996 में इंडियन टीम में, ठीक है, जिसने कन्फेस करा था कि गवर्नमेंट के आगे कि हाँ मैंने 1996 में 3 मैचों के अंदर फिक्सिंग करी है, ठीक है। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ कि उसने देश के साथ गद्दारी करी है। पर हमारा बॉलीवुड बहुत दयालु है, इंटरनेशनल की हेल्प जरूर करता है वो, ठीक है। तुमने उसके ऊपर मूवी बना दी उन लोगों ने अजहर, ठीक है, जैसे तुमने देखी होगी अजहर के अंदर मूवी के अंदर। तो मैंने वो मूवी देख रखी है, तुमने देख रखी हो ना हो पर देखना मत, बेकार है, ठीक है। उसमें सिंपल सोबर वर्ड में एक चीज़ है, ब्रेन वॉश कर रखा है सबका, उसमें दिखा रखा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा था, ये सब फेक था, ठीक है। तो आसर ने महेश भट्ट का नाम तो सुना ही होगा, वही ठर की बुड्ढा, ओह सॉरी, तो आसर जैसे महेश भट्ट का नाम सुना ही होगा, आलिया भट्ट का नाम सुना ही होगा। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आप लोगों को पता नहीं है, पता क्या होगा वो तो हम बताएंगे कि ये दोनों मुस्लिम हैं, ठीक है। भट्ट की माँ है सोनिया राजदान, ठीक है, उससे शादी करने के लिए क्या नाम था इसका, महेश भट्ट ने इस्लाम कबूल करा था, मतलब कि हिंदू से मोमडन में शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो उसमें उसके बाद वो शिफ्ट होना भूल गए, उस करे चक्कर में जो भी भूल गया हुए नहीं, हमें नहीं पता उतना, ठीक है। तो बाप मुस्लिम, माँ मुस्लिम, तो बेटी तो क्वेश्चन होएगी नहीं, तो वो भी मुस्लिम, वो तो कोई बात नहीं यार, मुस्लिम हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अपना नाम क्यों छुपाते हैं भाई, हम लोग कुछ कर थोड़ा लेंगे। जैसे कि बहुत दो तीन तरह के और हैं, जैसे कि तप्पू हो गई, मधुबाला हो गई, भाई मुझे ये तो बताओ कि तुम लोग नाम अपना क्यों छुपाते हो, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने तुम लोग के आगे ये चीज़ रखी कि यार ये लोग झूठ बोल कर कि हम मोमडन नहीं है, मतलब मुस्लिम नहीं है, तो ये झूठ बोलते हैं, ये लोग मुस्लिम हैं, ये आपके सामने, अब आप चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं, कोई मैं ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको शुरू में भी बोला था, जो है मेरे सामने आपको मैं सब क्लियर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों की भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कितना ये लोग बॉलीवुड वाले कितने नीचे पानी में हैं, ठीक है। तो अगर आप सबको ऐसा पता लगे ना कि यार ये सब क्यों करते हैं, तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्यों करते हैं। पता है ना आप सबको, नहीं पता है कहाँ पता है, वह सच्ची बताना तुम सबको आज पता चलिए ना कि ये लोग मुसलमान हैं, मुझे भी कल परसों पता चली है। ये भी देख लो भाई, Ryan's pop-up lunch, as you know, my very sweet friend Ryan, and we're going to see something that he has made, and here it is. Go! Ryan, come here! Come here! Come here! Explain what that was, because everybody wants to know. That's the beef pepper water with dry lentils and dry beef. Beef kha rahi agli bhai. Gaali mat de chhod. Rehne do, are wo gaali boli thi yaar. मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा कि तुम मार कुटाई वगैरह के लिए, ठीक है ना, मैं इतना तुम्हें कुछ कहूँगा, पर बॉयकॉट करो इन सबको, इतना भी इनके लिए मत पागल हो,
बॉलीवुड कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो है सब क्लियर कर दिया इसलिए क्योंकि यार बहुत लोग बॉलीवुड के बारे में अच्छा भी सोचते हैं बुरा भी सोचते हैं, तो हर चीज़ क्लियर करके चला तुम्हारे आगे में। मैंने कुछ नहीं करा इसमें कि भाई अपनी बातें बना के बनाई लिखी, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम कहीं भी सर्च कर लेना मेरी वीडियो, नहीं तो तुम किसी और की वीडियो देख लेना, तो उसमें भी तुम्हें यही दिखेगा। अब्बा नहीं मानेंगे। अब जो वीडियो है वो अपने तुम्हारे सल्लू भाई के बारे में, तो तुमने देखा होगा एक मेरी थी सुशांत वाली, मैंने उसमें थोड़ा सल्लू भाई के बारे में सच बोल दिया था, तो सल्लू भाई के फैन आके मुझसे बड़ी बहसबाजी कर रहे हैं, मैसेज डीएम में फालतू बोल रहे, तो तुम्हारा भाई छोड़ता नहीं है इन मामलों में, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, मतलब माँ छोड़ती। तो हाँ जी, अब बात करते तुम्हारे सल्लू भाई, ठीक है। तो उसका मुंबई पुलिस की तरफ से एक कांस्टेबल मिल रखा था तुम्हारे सल्लू भाई को, ठीक है, जिसमें वो सबसे बड़ा मेन गवाह था हिट एंड रन केस का, जिसने उसमें उसने बताया था कि हाँ सलमान भाई गाड़ी चला रहा था, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, ठीक है, और कर दिया था काम, तो ठीक है। उसके बाद उसकी एक उसका नाम क्या था, उसका नाम था रविंदर पाटिल, ठीक है, तो ये भी तुम ये इसी फोटो देख लो, तो रविंदर पाटिल नाम था। और सबसे बड़ी बात, उसको मतलब 2006 में उसको जॉब से उसकी जॉब चली गई पुलिस की, मतलब निकल गया जो भी था, ठीक है, और एक दो साल में वो मर गया। अब मुझे नहीं पता कैसे मरा, तो तुम ये मत सोचना भाई कि समझ रहे ना, पर भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, मैं मुझे इसका कुछ नहीं पता। तो हाँ, अब जैसे कि अब सीबीआई की एक बात करते हैं, जैसे कि न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि सुशांत का केस सीबीआई को हैंडल कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, उसको इंसाफ मिले, लोग भी कह रहे हैं इंसाफ मिलेगा, ठीक है। तो पर सीबीआई याद है सलमान के एक सलमान के बारे में भी सीबीआई आई थी, तो इंसाफ मिला मुझे नहीं पता, ठीक है। और जिया के बारे में भी सीबीआई आई थी, तो उसमें इंसाफ तुम्हें पता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं इसमें बोलूँगा। और तो हाँ गाइस, तुम्हें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यार जहाँ पैसा जहाँ कॉन्टैक्ट्स है ना वहाँ सब कुछ ख़त्म है, ठीक है। तो तुम सबसे बड़ी बात, और ये बात यही ख़त्म करते हैं, अब बहुत होगी अंडरवर्ल्ड की बात, बहुत होगी इन सब की बातें। तो गाइस, बॉलीवुड में तुम्हें लगता है जाना अच्छा है तो एक बार फिर सोच लेना भाई, मैं नहीं बोलता तुम जाओ या ना जाओ, दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, मैं हर बंदे को बोलता हूँ, दूर से हर बंदे को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है कि हार देख कितना सही काम है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, थीके? पर जब उस बंदे को उसके ऊपर आती है ना, तो तब जाके पता चलता है कि भाई कितना मुश्किल था क्या था, ठीक है। तो वो बॉलीवुड करके फेम देख के मत जाओ, बहुत लफड़े हैं बीच में, इससे अच्छा यहाँ पर करो नौकरी, पैसा कमाओ, सो जाओ, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, अगर तुम सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा प्यार कम दिखा रहे हो तो मेरे को इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखाना तुम सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू ऑल, ओके बाय।